मंथन कर रहे हैं अमित शाह की सामाजिक संगठनों के साथ बैठक लगातार जारी है, ऐसी जानकारी समाज निकलकर सामने आ रही है। समाजों के प्रमुखों के साथ शाह बैठक ले रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के विजन की जानकारी देने का एक कार्यक्रम है, जहां पर बीजेपी के लिए चुनाव में समर्थन मांगने को लेकर के चर्चा की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त के गुलाबी नगरी जयपुर से, अमित शाह का दो दिन का राजस्थान का दौरा। आज इससे पहले अमित शाह ने सीकर में रोड शो किया। तो सीकर में अमित शाह ने आज रोड शो किया। बीजेपी के प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती ने रोड शो को लेकर यह दावा किया कि सीकर की जनता ने इतिहास रच दिया है। रोड शो में हजारों की तादाद में जनता पहुंची हुई थी। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में स्वामी सुमेधानंद ने कहा कि बीजेपी की जीत पिछली बार से ज्यादा वोटों से होगी, साथ ही खंडेला विधायक सुभाष मील ने भी दावा किया है। अमित शाह के रोड शो के बाद सीकर में किस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, आइए बात करते हैं सीकर से बीजेपी के उम्मीदवार स्वामी सुमेधानंद सरस्वती से। क्या लगता है महाराज जी, क्या आपको लगता है आज अमित शाह के रोड शो के बाद तमाम चुनौतियां जो भी आपके सामने बताई जा रही थी वो क्या दूर हो गई हैं? देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, चुनाव में चुनौती आती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने, भारत सरकार ने सीकर लोकसभा चुनाव में, जो चुनाव से पहले 10 साल में जो काम किए हैं, लगभग 10,000 करोड़ के काम मेरी लोकसभा में हुए हैं। एक समय था केवल 8 ट्रेनें चलती थी, आज 40-50 ट्रेनें चल रही हैं, 49 ट्रेनें आज सीकर के चलती हैं। मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सैनिक एकेडमी, खेल का इंडोर स्टेडियम और बहुत सारे काम, उन कामों को देख करके और मेरा निरंतर लोगों से जो संपर्क रहता है उसको देखते हुए मैं मानता हूँ, आज का जो रोड शो था उसने ये सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का लगाव है, मोदी जी के विचारों से लोग सहमत हैं और इस बार सीकर पिछले रिकॉर्ड तोड़ेगा। क्या आपको लगता है अमित शाह एक संजीवनी दे गए, एक ताकत का एहसास करा के गए कार्यकर्ताओं को कि यहाँ बड़े मार्जिन से जीतेंगे और पिछला जो रिकॉर्ड है वो तोड़ेंगे? आज माननीय अमित शाह जी का और मुख्यमंत्री जी का जो रोड शो था, निश्चित रूप से ये कार्यकर्ताओं का जोश, उमंग देखने लायक थी। पूरा शहर उमड़ पड़ा अमित शाह जी का स्वागत करने के लिए, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए, और निश्चित रूप से ये बात दर्शाती है क्योंकि लोग फूल बरसा रहे थे, नारे लगा रहे थे, मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। तो इसी से देखने से पता चलता है कि जो पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी ने जो काम कराए है और हिंदुस्तान के अंदर जो उनकी लोकप्रियता, केवल हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में उनके नाम का जो डंका बज रहा है, आज सीकर में देखने को मिला। चाहे ये कितनी बड़ी बातें करें, लेकिन आज जो माहौल और जो उत्साह है, ये वोटर पहले से भी थे, लेकिन जो आज एक निश्चित रूप से ये सही है कि आज अमित शाह जी के आने से एक नई उमंग का संचार मतदाताओं में हुआ है और ये पहले ही बैकफुट पे, कांग्रेस पहले ही बैकफुट पे। जो अलायंस के जो उम्मीदवार हैं इंडिया अलायंस के, वो कोई ज्यादा बड़ी चुनौती पेश नहीं कर पाएंगे स्वामी सुमेधानंद के सामने। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल। और इसी बीच बीजेपी के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक कल होने जा रही है। तो राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी, ऐसी जानकारी है। बीजेपी मुख्यालय में कल 11 बजे के आसपास बैठक होगी। बैठक में मैनिफेस्टो के लिए सुझाव मांगे जाएंगे, तो बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक ये होने जा रही है। इसमें सुझाव मांगे जाएंगे कि मैनिफेस्टो आखिर कैसा रहेगा, लोगों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की पहली बैठक होनी है, कल 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। राजनाथ सिंह ये बैठक लेंगे, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी जिसमें तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। विस्तार से मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा होगी और इसके बाद माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो जारी किया जा सकता है।